मेरा नाम है स्वप्निल खताल और इस बार मैं एक अप्रत्यक्ष जानवर को पकड़ने वाला हूँ। इसे देखिए दोस्तों, मैं जा रहा हूँ एक अनछुए जंगल का अन्वेषण करने। देखिए कैसे मैं दर्जनों जहरीले सपोलों को रिलोकेट करूंगा। क्या मैं नदी में आई इस बाढ़ से बच पाऊंगा? पानी जो है उसका स्तर भी बढ़ चुका है और उसकी गति भी बहुत बढ़ चुकी है। और क्या पानी में डूबे इस सांप को बचा पाऊंगा? ये है एक वाटर स्नेक। लेकिन देखना यह है कि अंत में आखिर किस जानवर से मेरा सामना होगा। तो मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे दोस्त के घर पे, क्योंकि उसका फ़ोन आया था आज सुबह मुझे। उसने कल एक सांप को रेस्क्यू किया था और आज सुबह देखने के बाद पता चला है कि उस सांप ने कुछ बच्चों को जन्म दिया है। वो एक रसल स्वाइपर है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे हैं, उनकी हालत कैसी है और फिर हम उन्हें जंगल में आज़ाद कर देंगे। ये इलाका ग्रीन जोन है और ये गाँव पहाड़ों से घिरा हुआ, लिहाजा यहाँ आए दिन बस्तियों में जानवर दाखिल होते हैं और सांप उनमें सबसे आम है। गरिमत है कि मेरे इन दोस्तों का जानवरों के प्रति वैसा ही रवैया है जैसा कि मेरा, इसलिए वो जानवरों को जीवन दान देते हैं और किसी खास अवसर पर मुझे याद करते हैं, जैसे कि आज। इसे देखिए दोस्तों, ये है रसल स्वाइपर और उसके छोटे छोटे नवजात बच्चे। हम इसे खुले में निकालते हैं वहाँ पर ताकि अच्छे से देख सकें, ठीक है? तो कहाँ पर मिला था ये सांप एग्जैक्टली? ये सामने ही था घर के और सुबह सुबह 6 बजे डॉगी लोगों ने उसको घेर के रखा था। ये एक्चुअली सीज़न है इन सांपों का, रसल स्वाइपर इसी सीज़न में बच्चों को जन्म देते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में छोटे मोटे जीव जंतु भी बाहर निकल आते हैं तो उनको बच्चों को जो है खुराक मिल जाती है खाने के लिए। हाँ, इसीलिए। अमूमन रेंगने वाले जानवर अंडे देते हैं, लेकिन एनाकोंडा के अलावा वाइपर एक ऐसा सरीसृप है जो अंडे नहीं देता। इनके बच्चे पैदाइशी जहरीले होते हैं, इसलिए मुझे एहतियात बरत कर इन्हें बड़े डिब्बे में डालना होगा। एक औसत रसल स्वाइपर जो है वो लगभग 40 से 50 बच्चों को जन्म दे सकती है और इनके बच्चे पैदा होते ही जहर से लैस होते हैं। इनके अंदर हीमोटॉक्सिक जहर होता है, इसीलिए हम इन्हें सीधे अपने हाथों से हैंडल नहीं कर सकते, ऐसा करना जोखिम भरा हो सकता है। इन सांपों के जो दांत हैं, जो विषदंत हैं, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। वाइपर्स के विषदंत 1 इंच तक भी बड़े हो सकते हैं और इनकी ही प्रजाति का एक गबून वाइपर है जिसके विषदंत लगभग 2 इंच तक बढ़ सकते हैं। इस सांप का हीमोटॉक्सिक जहर शिकार के खून पर असर करता है, खून का थक्का जम जाता है और दिल का दौरा पड़ने से शिकार की मौत हो जाती है। ये सांप बहुत ही फास्ट स्ट्राइकर होते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहता। आप यहाँ से देख सकते हैं इसकी जो डिज़ाइन है, उसकी वजह से लोग अक्सर इसे अजगर भी समझने की भूल करते हैं। अजगर एक जहरहीन सांप है तो लोग इसे पकड़ कर बहादुरी का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं और कई लोग इस प्रदर्शन में, इस कोशिश में अपनी जान भी गंवा चुके हैं। रसल स्वाइपर एक शेड्यूल्ड स्पीसीज है, इसीलिए इसे मारना कानूनन अपराध है और इसे भारत में खास कानूनी संरक्षण हासिल है। अब हम इस सांप को लेकर के जाएंगे इंसानी बस्ती से दूर और आज़ाद कर देंगे, इस उम्मीद में कि ये सारे बच्चे अच्छे से बड़े होंगे और परिवेश में अपनी आबादी को इसी तरह से आबाद रखेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे इनकी माँ को अलग करना होगा, क्योंकि कुछ बच्चे उसके नीचे आकर दब रहे हैं और वैसे भी स्तनधारी जीवों के विपरीत सरीसृप अपने बच्चों की परवरिश नहीं करते। जन्म देने के बाद माँ अपने रास्ते निकल जाती है और बच्चे अपने रास्ते। बहरहाल मैं भी अपने रास्ते निकल गया एक ऐसी मंजिल की ओर जो उन सांपों के लिए नया घर बनेगी और मेरे लिए नए अन्वेषण के अभियान का हदफ। मैं इन्हें पानी के स्रोत में इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तैर कर ये किनारे लग जाएंगे और तब इन्हें पानी की मौजूदगी का अंदाजा भी होगा और किनारे पर छोटे शिकार भी मिल जाएंगे। बहरहाल इनकी माँ को भी यहाँ अलविदा कहने के बाद मैं रवाना हुआ जंगल के अप्रत्यक्षित आश्चर्यों का अन्वेषण करने। थोड़ी ही देर में बारिश और जंगल की उमस ने मुझे भिगा कर बेहाल कर दिया, लेकिन मैंने खुद को तरोताजा करने का इंतजाम भी ढूंढ लिया। इस दिलकश तालाब में तैरने का लुत्फ उठाने के बाद मैं यहाँ से रवाना होने वाला था, लेकिन तभी मुझे कुछ ऐसा दिखा जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। इसे देख रहे हैं आप, ये है एक वाटर स्नेक, चेकर्ड कील बैक, लेकिन इसकी मौत हो चुकी है। इसका यह सफेद रंग का जो शरीर है वो तुरंत दिख जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत कंट्रास्ट है, बैकग्राउंड से बहुत ही ज़्यादा कंट्रास्ट।
चेकर्ड कील बैक जहरीला नहीं होता, लेकिन मुझे हैरत की बात यह लग रही है कि इसकी मौत आखिर कैसे हुई। इसके शरीर के ऊपर कहीं पर भी कोई भी घाव नहीं है। ये अभी तक ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, यानी कि एक नौजवान बच्चा ही है। मछलियों को खाना पसंद करता है, पानी के अंदर अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी बिता देता है, लेकिन इसकी ज़िंदगी यहाँ पर जा चुकी है क्योंकि इसकी मौत हो चुकी है। तो इसे किसी तरह का कोई दर्द नहीं होगा। ये देखिए, छोटे छोटे से दांत होते हैं और इन्हीं दांतों की मदद से ये मछलियों का या फिर मेंढकों का शिकार करता है। इस सांप की लार के अंदर एक एंटी कोआगुलेंट तत्व होता है, एक ऐसा तत्व जो शिकार के खून को जमने नहीं देता, और बाइट होने के बाद जो शिकार का खून है वो पानी की तरह पतला होकर बहने लगता है। पानी की तरह पतला होकर बहने वाला वो खून इसे शिकार निगलते वक्त किसी ल्यूब्रिकेंट की तरह मदद करता है, और इसीलिए अगर ये सांप अगर आपको काट ले तो वही खून, वो पानी की तरह बहने वाला पतला खून देखकर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत जहरीले सांप ने उन्हें डसा है, उनकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। बदकिस्मती से इसकी मौत हो चुकी है। मैं इसे यहाँ से बाहर निकालने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि ये कुदरत का इकोसिस्टम है। ये सांप यहाँ की मछलियों को खाता है, लेकिन मरने के बाद मछलियाँ इस सांप को खा जाएंगी, और इसी को हम कुदरत कहते हैं। तो मैं इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ जहाँ पर यह था। मुझे खुशी होती अगर ये सांप जिंदा होता तो, लेकिन कुदरत में हमेशा अप्रत्याशित चीज़ें देखने मिलती हैं। बहरहाल, कुदरत की चीज़ को कुदरत में सौंपने के बाद मैंने वापसी का सफ़र शुरू किया, लेकिन अचानक बारिश ने जोर पकड़ लिया और देखते ही देखते पासा पलट गया। बारिश अब बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ का पानी जो है उसका स्तर भी बढ़ चुका है और उसकी गति भी बहुत बढ़ चुकी है। मैं किसी भी हालत में उसके अंदर तैर कर नहीं जा सकता, भले ही मैं पूरी तरह से भीग चुका हूँ, लेकिन उसके अंदर इस तरह की बेलें होती हैं, और अगर आपके पैर इस बेल के अंदर फंस जाए, उलझ जाए, तो आप चाहे कितने भी अच्छे तैराक हो, उस पानी के अंदर आपका डूबना तय है। इसीलिए मैं थोड़ा सा घूम कर जाऊंगा, लेकिन इस नदी को पीछे छोड़कर जाऊंगा। दूसरे रास्ते में जंगल की सरहद तक पहुंचा और वही मुझे एक और जानवर दिखा। इसे देखिए दोस्तों, एक कछुआ है यहाँ पर, एक फ्लैप शेल्ड टर्टल हुआ, ये यहाँ पर बैठा हुआ था बास्किंग करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से बारिश हो रही है और इसीलिए अब इन कछुओं को अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए धूप की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने छू लिया, इसने अपना सिर, अपने हाथ पांव सब कुछ अपने कवच के अंदर ले लिया। यही इनका डिफेंस का एकमात्र साधन होता है। और मैं बता रहा था कि सूरज की गर्मी इन कछुओं के शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाती है। वो इसलिए क्योंकि ये ठंडे खून वाले जानवर होते हैं और इनका जो खून का तापमान है वो वातावरण के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अगर इन्हें गर्मी नहीं मिली तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते। बारिश के मौसम में ये प्रजाति ज़्यादा सक्रिय होती है, लेकिन जब बरसात का मौसम चला जाता है तो ये ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी वो पूरे महीने बिता देते हैं, जिसे हाइबरनेशन कहते हैं, यानी कि समाधि ले लेते हैं। और इस मौसम में ये जो कुछ भी खाते हैं, ये अपने हाइबरनेशन पीरियड में उसी खाई हुई चीज़ को हज़म करते हैं और सर्वाइव कर लेते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि ये कछुए इंसानों की तरह ही है? पता है क्यों? क्योंकि इंसानों की तरह ये भी कुछ भी खा जाते हैं। हर वो चीज़ जो खाने लायक है उसे ये खा जाते हैं, चाहे फिर वो पेड़ ऐसे पत्ते हो, काई हो, या छोटी मोटी मछलियाँ, या फिर मरे हुए जानवर की लाश, सब कुछ, हर वो चीज़ जिसे ये खा सकते हैं ये खा लेते हैं। ये मिट्टी के अंदर रहते, देखिए काफ़ी यहाँ पर कीचड़ है अंदर, और इसीलिए इन कछुओं को रहने के लिए अनुकूल परिस्थिति है। ये कछुए ऐसे ही पानी के स्रोत के इर्द गिर्द अंडे दे देते हैं, और लगभग एक औसत मादा जो है वो लगभग 10 से 15 अंडे दे सकती है, और कुछ 2-2.5 महीने के बाद उन अंडों में से बच्चे बाहर निकलते हैं। वैसे एक रोचक बात मैं आपको बताऊं कि इनके जो घोंसले होते हैं उसका जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, उसी के ऊपर तय होता है कि इनके बच्चे नर होंगे या मादा। अगर तापमान बहुत ज़्यादा है तो फिर वो मादा होती है, और अगर कम है तापमान तो फिर वो नर होते हैं। इनके बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्यूट होते हैं, और इसकी पीठ के ऊपर यहाँ पर कुछ मार्किंग्स दिखाई दे रही है। दरअसल ये पुराने घाव है, किसी दूसरे शिकारी जानवर के पुराने घाव। और अब आप समझ सकते हैं कि कवच क्यों ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इनकी हिफाजत करता है शिकारियों से, प्रीडेटर्स से। और इस वक्त ये अपनी गर्दन को बाहर निकालकर मामले का जायजा ले रहा है। देखिए कितनी प्यारी और क्यूट सी इसकी आंखें हैं। ये कछुए कैप्टिविटी में तो 30-40 साल तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन ऐसे परिवेश में, कुदरत में, ये सिर्फ मेरे ख्याल से 10 या 15 साल तक ही जी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनके काफ़ी सारे दुश्मन होते हैं, शिकारी होते हैं। मैं कुदरती शिकारियों की बात नहीं कर रहा, बल्कि इंसानों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, स्थानिक लोग, जो इन कछुओं का शिकार कर लेते हैं, खाने के लिए इनका मांस बड़े चाव से खाते हैं। और इसीलिए इनकी प्रजाति को संरक्षण देने के लिए सरकार ने इन्हें कानूनी संरक्षण दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे मच्छर भी हैं, बहुत ही कमाल की यहाँ पर फौज है। मैं बुरी तरह से भीग चुका हूँ,
लेकिन अंत में जब यह कछुआ मुझे मिला तो दिल खुशी से लबरेज हो गया। वैसे क्या कमाल का दिन था। दिन की शुरुआत हमारी हुई रसल्स वाइपर और उसके दर्जन भर छोटे छोटे बच्चों से, उसके बाद वो चेकर्ड कील बैक, और अंत होते होते इन भाई साहब का भी यहाँ पर दर्शन हो गया है। चलिए मैं इसे यहीं पर छोड़ देता हूँ और उम्मीद करते हैं कि ये अपनी बाकी की जिंदगी यहाँ पर आराम से बिताएगा। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बारिश अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, यहाँ पर पानी भी बढ़ने लगा है। और ये देखिए मिट्टी के अंदर पानी घुसने की वजह से हर तरफ कीचड़ ही कीचड़। ये मेरे लिए एक बहुत ही यादगार और आपके लिए शायद एक रोमांचक अनुभव रहा होगा। लेकिन अब वक्त है मेरे घर पे जाने का, और इससे पहले कि हम लोग इस पानी के अंदर फंस कर रह जाए, उस जंगल में उलझ जाए, मैं यहाँ से रवाना हो जाता हूँ। अपना कीमती समय देकर इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है स्वप्निल खटार और मैं आपसे अगली बार मिलूंगा। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम।